Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस यहाँ पर फाइनली दो दिन के बाद एक टूर यहाँ पर आ चुका है, एक नहीं मतलब बहुत सारे टूर बन चुके हैं इस गेम के अंदर वापस से। भाई पिछले दो दिन से ना एक भी टूर दिखाई नहीं था गेम के अंदर, तो यहाँ पर मुझे एक फ्री सोलो टूर्नामेंट दिख चुका है, तो देखते हैं मैं कहाँ तक पहुंचूंगा इसके अंदर आगे भी। और इसके अंदर टोटल चार फेज रहेंगे तो भाई खेलना और मजा आएगा इसको भी। तो गाइस यहाँ पर अभी सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका और पहले राउंड के अंदर मैं हार गया और मैं आपको दिखाने पाऊंगा क्योंकि भाई मेरी रिकॉर्डिंग पॉज थी वो टाइम पे। मुझे लगा भाई मेरी रिकॉर्डिंग चालू, लेकिन भाई मैंने पॉज करके रखा था उसको और भूल गया चालू करना वापस से। तो यहाँ पर भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको पहले राउंड को मैंने, लेकिन कोई बात नहीं इसके ऊपर आ जाओ अभी। और यहाँ पर एकदम आराम से निकलो इसके ऊपर और पंच मार दिया भाई, एक नंबर खुद गिर गया इसको लात मार दिया पर मैंने और बच गया भाई, बच गया। मुझे लगा लावा में चलूंगा लेकिन बच गया वहाँ पर मैं, एकदम आराम से आ जाओ और डाइव मार के यहाँ पर गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं है। पहले नंबर पर क्वालीफाई होने का चांस है अपने यहाँ पर। पहला राउंड तो हार गया अपन, लेकिन अगला राउंड क्वालीफाई करना अपने को। आ जाओ चुपचाप डाइव मार के आ जाओ इसके ऊपर और यहाँ पर भाई चलो निकल जाओ आगे एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से पहले नंबर पर क्वालीफाई करेंगे। और पता नहीं भाई पहले नंबर पे क्वालीफाई करने पे कितना पॉइंट मिलेगा, मतलब 6 पॉइंट तो मिलना चाहिए पहले नंबर पे क्वालीफाई करने पर। और वैसे भी पहला फेज यार, इसमें अगर सब राउंड हार भी गया तो एकदम आराम से सेकंड फेज में जाऊंगा मैं। और ये तो भाई ये ना हर टूर के अंदर ऐसे होता है, मतलब कोई एकदम बहुत कम टूर होते हैं भाई, यहाँ वाट लग गई लगना जरूरी है। तो भाई मुझे लगा मैं नीचे से निकल जाऊंगा वहाँ पे और आ गया भाई सुपर का आ गया यहाँ पर। चलो एकदम आराम से आगे इधर पड़ के क्वालीफाई कर गया अंदर में और शुरू हो चुका यहाँ पर तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर भाई बहुत कम प्लेयर आ रहे यार खेलने के लिए इसको, मतलब है ना कितने 16 लोग देखो कितने कम लोग यहाँ पर, 8 ही लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, बस 8 से भी कम ही लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। मैं गिना नहीं यहाँ पर भाई, लॉबी में तो दिखाते जाते लोग नहीं लेंगे ना। अरे भाई चढ़ जा, अब चढ़ा इसके ऊपर और यहाँ पर आ जाओगे और आराम से भाई डाइव मारो। अरे भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ाइए, मुझे लगा ऊपर गया था इसलिए मैं किक मारते हैं वहाँ पर। और बहुत कम लोग खेल रहे हैं यार, मतलब जितने लोग साइन अप करे उससे भी कम लोग खेल रहे हैं इसको, मतलब बहुत लोगों को तो गेम ही नहीं चालू हो रहेगा। वो नेक्स्ट स्टेप पे अटक जाता है गेम यहाँ पर भाई। अभी कैसे लग गया, मुझे लगा यार यार यहाँ पर मैं चेक पॉइंट ले नहीं आगे जाकर, मुझे ऊपर चढ़ जाना चाहिए था वहाँ पर। और यहाँ पर बच गया मुझे लगा गिर जाऊंगा लेकिन बच गया वहाँ पर। और क्वालीफाई तो कर जाएंगे तो आराम से, टेंशन नहीं कुछ भी उसका, बस यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर। और पिछले राउंड में भी ना भाई मतलब कितने 5-6 लोग क्वालीफाई कर रहे थे बस 8 में से भी। अरे भाई का पड़ा इसको घर का गलत जगह पर रिस्पॉन हुआ था, ये उसको बहुत ही गंदा रिस्पॉन दिया गेम वाले ने, मतलब जैसे मैं किक मार के पहुंचा वैसे ही स्पॉन वहाँ पर उसको पड़ गया वापस एक और बार। तब बेचारे की किस्मत खराब थी लेकिन यहाँ पर। और मुझे लग रहा भाई अरे सुपर का खड़ा यहाँ पर, एकदम आराम से किक मार दूँगा यहाँ पर। चलो किक मार के निकलो अगर। अरे भाई अबे टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास, अबे सबको पंच मार रहे हो, सबको पंच मार रहा हूँ पर खड़े के टाइम पास कर रहा हूँ पर। मुझे तो मतलब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, मैं करके क्वालीफाई राउंड के अंदर। ड्रॉ कैसे हो गया भाई, ड्रॉ क्यों कर दिया इसने, क्वालीफाई तो कर दिया हम लोग वहाँ पर। ये क्या बात हुई यार, गेम के यहाँ पर नखरे चल रहे हैं, यहाँ पर टाइम अप कर दे रहे हैं 8 लोग क्वालीफाई से पहले और हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके पॉइंट खराब कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यार हट यार, इतना अच्छा क्वालीफाई करा भाई, पॉइंट गायब कर दिया इसने अपने। और यहाँ पर अपना चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका और भाई मेरे 6 पॉइंट यहाँ पर गायब हो गए गेम के अंदर। इतना अच्छा भाई पहले नंबर पर क्वालीफाई करा था वहाँ पर मैंने, इतना अच्छा भाई क्वालीफाई करने के बाद यहाँ पर मेरे को पॉइंट नहीं दे पा वैसे ने। और ये 8 लोग तो भाई 8 लोग क्वालीफाई करने देता भी नहीं यार, उन लोग आने से पहले टाइम अप करके खत्म कर डालता है ये राउंड। पता नहीं इतना क्या टाइम को लोग बचा रहे यहाँ पर, ऐसे तो साथ ही क्या भाई यार, ये क्या अलग चला रहे लोग यार। मतलब मैं किक मारा भाई, मेरी किक उसको लगे वहाँ पर, उसकी किक मेरे को लग गई, अच्छी बात है मेरी किक उसको लगे तो अच्छी बात ही है। उसकी किक लेकिन अगर मेरे को नहीं लगी तो आराम से अच्छी बात है यहाँ पर। और आराम से निकलो भाई, आराम से निकलो क्योंकि बस क्वालीफाई करना अपने यहाँ पर भाई, कुछ ज़्यादा आराम हो गया मेरा, गलत जगह कूद गया था यहाँ पर। वो भी करना था, दोनों को एक दूसरे का पंच लग गया था, किक नहीं लगी यार, किक नहीं लगी मेरे को, पंच मारना चाहिए वहाँ पर, पंच मारा था, लग भी कर रहा था उसको। आज उसके ऊपर यहाँ पर मार के गिरा उसको भी, हटो साइड पर, बच गया भाई बच गया, हड्डी बचा वहाँ पर, हड्डी जम कर लिया टाइम पर, बहुत टाइम पर जम किया एकदम उसने वहाँ पर। आज उसके ऊपर एकदम आराम से आ जाओ, इसके भी ऊपर एकदम आराम से आ जाओ, तो एकदम इजी तरीके से और किक मारेंगे यहाँ पर। और चलो यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्वालीफाई कर गया भाई, देखते हैं इस बार पॉइंट देता है कि नहीं अपने को। और शुरू चुका अपना पांचवा राउंड, तो भाई पिछले राउंड में पॉइंट दे देता है इसमें अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन तीसरे राउंड के अंदर पता नहीं क्या यार पॉइंट खा गया वहाँ पर फालतू में मेरे, 6 पॉइंट गायब कर दिया यार मेरे इतने यहाँ पर। हट यार, वैसे तो इतना टेंशन नहीं है, मतलब पहले राउंड में इजीली क्वालीफाई कर सकते हैं अपने पहले फेज के अंदर, बस यहाँ पर है ना मतलब टाइम अपना वही खराब होगा, टाइम खराब होगा इसके अंदर। और मुझे लग रहा है कि ना 6 राउंड में भी यही करेगा अभी, 5वें नहीं तो 6 राउंड में करेगा ये फिर। अरे भाई अरे यार सर पे आ गया भाई मेरे, वो सर पे आ गया जिसका मैं गिर गया वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर भाई क्वालीफाई कर सकते हैं अपन, अभी भी हारे नहीं है भाई, अभी भी हारे नहीं अपन। और पड़ा उसको वहाँ पर भाई पांडा बच गया, आ जाओ उसके ऊपर, पांडा भी गिर गया भाई, पांडा भी गिर गया, मतलब मेरे बोलने की देरी थी बस, और गिर गया वो एकदम आराम से निकलो आगे। और अच्छी बात है भाई पूरे रेस में पे, नहीं तो भाई अगर है ना अरे भाई जम कर यार, भाई मेरे जम कर ले भाई, जम कर ले, फालतू गिर मत भाई, फालतू मत गिर वहाँ पर, एकदम आराम से भाई सुकून में जाएंगे। और जम करके आगे चलो उसके ऊपर आ गया मैं, और ये जंप क्यों नहीं करता वो नहीं समझता भाई, जंप सेम तरीके से आप जंप मारो, मार भी लिया इसने, पहले मारता नहीं मारा उसने जंप। और भाई इसको पंच मारो, रुको मैं पंच लगा, अरे लगा भाई पंच लगा, पंच लग गया, मुझे लगा पहले नहीं लगेगा यार इसने, लेट मारा थोड़ा मैंने। और यहाँ पर चलो करके वापस सेकंड नंबर पर क्वालीफाई। और अब यहाँ पर अपना 6 राउंड स्टार्ट हो चुका और भाई पिछले राउंड के अंदर अपने को पॉइंट मिलेगा अपने को। और रिकॉर्डिंग चालू, यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है भाई बीच बीच में चालू होगी नहीं, नहीं तो भाई पहले राउंड में एकदम हारा था, वो दिखाई नहीं पाऊंगा आपको कैसा हारा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया उसको मैं। और गिर गया भाई यार, चढ़ गया रहता यार, इतना तो चढ़ा था पूरा गिरा कैसे। और यहाँ पर अब मैं एलिमिनेट हो जाऊँगा मुझे लग रहा है इसी, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग आगे निकल गए अभी 8 अरे नहीं कर जाऊँगा यार, कर जाऊँगा टेंशन नहीं। यहाँ पर अभी चढ़ा भाई ऊपर, ये ऊपर नहीं चढ़ता भाई यहाँ से, तो
चढ़ ही नहीं रहा, मतलब मैंने किक थोड़ा मतलब किक मार के गलती कर दिया वहाँ पर, मैंने मुझे लगा मैं चढ़ गया ऊपर से, मैंने किक मारते था वहाँ पर, लेकिन भाई मैं नीचे गिर गया था। निकलो एकदम आराम से, आ जाओ जंप मार के एकदम आराम आराम से खेलेंगे भाई, आराम से खेलेंगे। और डर ये बात का है भाई, कहीं पॉइंट ना काट ले अपने, ये ड्रॉ ना कर दे कभी। अरे भाई यार मेरे को पंच मार दिया इसने, मेरा बदला ले लिया इसने मेरे से, इससे पहले मैंने इसको पंच मार के गिरा था, अब इसने मेरे को पंच मार के गिरा दिया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर वैसे भी बस क्वालिफाई तो कर देंगे अपन, ज़्यादा लोग है नहीं अपने आगे, टोटल कितने 9 लोग थे टोटल, शायद 9 या 8 ही थे शायद, पता नहीं। और यहाँ पर इसको अपना पंच मार, यार हट गया, निकल गया आगे, निकल गया। और ये भाई पंच मार के खेल रहे, तो निकलो और हड्डी से पहले अपन क्वालिफाई करके ये बोल्ट की वजह से। और अब यहाँ पर इसने भाई वापस से पॉइंट खा गया अपने, यार इतना अच्छा भाई, कितने 4 पॉइंट तो मिल रहे थे कम से कम मेरे को, ये 4 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते, लेकिन ड्रॉ कर दिया वापस से भाई। ड्रॉ क्यों कर, क्यों रहा भाई ड्रॉ ये, मतलब इन लोग ने एक तो ना भाई 2-3 से लोग यहाँ पर टूर हुआ नहीं लोग सर्वर के ऊपर कोई भी, और अब यहाँ पर टूर हो रहा है तो उसमें गिल डाल कर लोगों ने पता नहीं क्या फालतू टूर बना रहा है बैठ के लोग। और यहाँ पर चलो चुका अपना 8वां राउंड, और भाई 7वां राउंड में खेल ही नहीं पाया यार इसने, इतना लेट आ रहे ना भाई टूर्नामेंट खेलने के लिए, लोग इतना टाइम पास करते बाहर, 16 लोग जमा भी नहीं हो रहे राउंड के अंदर, जिस वजह से भाई 7वां राउंड मिस हो गया अपना, मतलब 7वें राउंड के लिए टाइम खत्म होता नहीं कर पाए हम लोग यहाँ पर। और भाई चढ़ जाओ ऊपर यार, बस 3 राउंड बचे इसके अंदर, और 8वां राउंड चालू है अभी यार, कि कैसे रखे मतलब इन्होंने समझ में आ नहीं रहे, मतलब एक तो भाई प्लेयर भरा दिए पूरे, ऊपर से टाइम भी रखे नहीं बराबर मैप के अंदर का, मैप के अंदर का भाई टाइम टाइम जल्दी खत्म हो जाए इस मैप के अंदर, 5-6 लोग क्वालीफाई कर पा रहे भाई मुश्किल से, 8 लोग क्वालीफाई भी नहीं कर पा रहे पूरे पूरे, इसलिए भाई फटाफट से क्वालीफाई करना तो पहले करता हूँ, अगर लेट होगा तो भाई मतलब तुम्हारा एडमिट हो सकते फिर, यहाँ पर वैसे नहीं करना अपने को, अपने को एकदम अच्छे से खेलेगा क्वालीफाई करना इसके अंदर। आ जाओ इसके ऊपर, और यहाँ पर किक मार के निकलो आगे, और यार भाई पंच मारेगा, निकलो इसके ऊपर, और यहाँ पर भाई थोड़ा आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पर। और अरे भाई अब मैं उठा ले रहा था यार, ये किक मारता भाई पता नहीं कैसे किक मार लेते कभी कभी, और कभी कभी भाई साहब तो डाइव मारते तो भाई खड़े होने का नाम नहीं लेते, कभी कभी झटके में खड़ा होता एकदम। और यहाँ पर निकला और बच गया भाई, क्या बचाओ वहाँ पर वो, लेकिन यहाँ पर मैं कर गया तीसरे नंबर पर क्वालीफाई, और शुरू हो चुका यहाँ पर 9वां राउंड, तो भाई देखते हैं इसमें क्वालीफाई कर पाता हूँ कि नहीं। और ये ना बस ना तीसरे और 6 राउंड के अंदर मुझे पॉइंट नहीं देते बराबर, और मुझे लग रहा है 9वें राउंड में वापस से मेरा पॉइंट खाएगा ये। और यहाँ पर अभी सीसी आ गया, कोई सीसी आ गया इसके अंदर, सीसी आ गया आने, तो भाई खेलो अपने यहाँ पर आराम से। अरे भाई चढ़ा भाई मेरे, इतना क्या कर रहा है भाई, इतना क्या फालतू तरीके से कर रहा है, चढ़ तो आता हर बार, जब प्लेयर रहते तब नाटक करता हूँ लोग के सामने, क्या बात है यार, चढ़ गया रहता अब तक भाई, बचा लावा में, और एक नंबर भाई ड्रैगन के अलावा के अंदर, अपन अलावा के बाहर भाई एकदम आराम से। आ जाओ आगे, डाइव मार के निकलो आगे, और आ जाओ इसके ऊपर डाइव मारते हुए खेलेगा। अरे भाई मैं चमका रहा था यार, अरे भाई अरे यार हट यार, मैं क्या गंदा रिस्पॉन्ड लिया था यार मैंने, मेरे को ऊपर वाले चेक पॉइंट लेना चाहता यार, इसके ऊपर आना चाहता मेरे को, मैं आ नहीं पाया इसलिए मेरे चेक पॉइंट गिरा नहीं इसने वहाँ पर, बहुत ही गंदा स्पॉन हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा पीछे फेंकते मेरे को इसने। और यहाँ पर भाई हम दोनों यहाँ पर हेलमेट होने वाले हैं अपने यहाँ पर, क्या नाम है इसका भाई, इसका नाम नहीं पड़ा मेरे, एक तो भाई रेड नेम दिखता भी नहीं बराबर, मतलब एकदम ऐसा डार्क दिखता है ना, नाम नहीं पढ़ना होता फिर लोग का, एकदम आराम से आ जाए इसके ऊपर। और यहाँ पर एकदम आराम से भाई 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, इतना तो एक क्वालीफाई नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर मैं, इतने पक्के बात है 7 लोग हो गए यहाँ पर, और बोल्ड घुस जाएगा देखना था, देखो बोल्ड घुस गया अंदर, 8 लोग हो गए क्वालीफाई, हार गया यार ये राउंड। और चालू हो चुका यहाँ पर अपना 10वां राउंड, पहले फेज का आखिरी राउंड है ये, और पहले फेज के अंदर तो भाई मैं कितना 2 राउंड, 1 राउंड खेल नहीं पाया अपना, और यहाँ पर वही सीसी वापस आ गया इसके अंदर, और ऐसा देख के तो लग रहा भाई सेम जगह पर रखा सबको यहाँ पर। आ जाओ ऊपर, चलो भाई चढ़ गया पहली बार में ऊपर, और यहाँ पर भाई पंचम पर लगा ही नहीं यार भाई, वो लोग मारते मेरे को लग जाता है इतने गैप पे, मैं मारा नहीं लगाया उसको, एक सेम तो गैप था। अरे बच गया भाई, मैं बच गया एक नंबर, चलो आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर किक तो मंदी भाई, किक मारना बनता है यहाँ पर एकदम आराम से, एकदम आराम से, और पहले नंबर पर क्वालीफाई करूँगा भाई, 6 पॉइंट मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर पहले नंबर पर क्वालीफाई कर गया इसके अंदर, तो कर तो जाऊँगा भाई, इतना तो एक ही नहीं करता हूँ, बस मेरे को खेलना आराम से। और अरे एक नंबर भाई, एक नंबर का टाइम भी कूदा एकदम, थोड़ा आगे निकल के कूदा, देखो कूद भी गया ये, और ये लोग पता नहीं कैसे रखे यार, मतलब आगे निकल के कूद जाते तो भी पहले अपना प्लेयर कूदता है इसके अंदर, पता नहीं कैसे यहाँ पर, या तो बस दिखने में लगता है कूद को पहले कूद जाता है ये। और यहाँ पर एकदम आराम से लो भाई पहले नंबर पे क्वालीफाई करके अपने आखिरी राउंड के अंदर, तो गाइस यहाँ पर पहले फीस खत्म हो चुका है जिसके अंदर हम लोग मैं क्वालीफाई करके, अभी देखो मैं यहाँ पर मैं 20वें नंबर पर था, और मेरे टोटल कितने 27 पॉइंट देखा, 27 पॉइंट मेरे शायद, मैं देखा नहीं यार कि देखो 27 पॉइंट मेरे यहाँ पर, और मैं 20वें नंबर पर एकदम आराम से भाई पहले नंबर पहले फेज में करके क्वालीफाई, देखता हूँ सेकंड फेज मेरे साथ आगे भी। और आ चुका पर सेकंड फेज का पहला राउंड आ गया, शावर मैप आ गया है, और यहाँ पर शायद ना पूरा सेकंड पे दर्शा में पाएगा, और कितना कोने में रखा भाई इसको, ये अरे अकेला प्लेयर है भाई, अकेला गिर जाता ना तो हम लोग कर जाते क्वालीफाई आराम से, और मुझे लग रहा भाई हम लोग कर जाएंगे क्वालीफाई। और इससे भाई इससे पहले मैंने एशिया वाला भी खेल लिया, मतलब एशिया वाले का पहला फेस खेला इससे मैंने पहले, इससे पहले मतलब एशिया वाले का पहला फेस खेलते आ रहा हूँ, उसके यहाँ पर मैंने कितने 5 राउंड खेला था बस यहाँ पर एकदम आराम से, क्योंकि ना भाई मुझे मतलब सेकंड फेस खेलना इसका, क्योंकि मेरे को थर्ड फेस में आना है इसके अंदर, और थर्ड फेज में जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर है ना 4 फेज, और यहाँ पर चलो करके पहले राउंड में क्वालीफाई। और शुरू हो चुका है अपना सेकंड राउंड, तो भाई पूरा रशा वारेगा इसके अंदर, मुझे पहले लग रहा था लेकिन मुझे यकीन हो चुका है इस बात पे कि पूरा रशा वारी आएगा। और यहाँ पर अभी एक प्लेयर का मैं वापस से 5 ही लोग हम लोग बस, कहीं 5 नहीं 7 लोग हम लोग, जिसमें से 3 लोग एलिमिनेट होंगे 4 लोग क्वालीफाई करेंगे, इधर आराम से आ जाओ आगे। और यहाँ पर भाई मैं एक बात सोच रहा हूँ भाई, मैं लड़ाई झगड़ा किसी भी नहीं करूँगा, इन लोग को आपस में लड़ना है तो लड़ने दो भाई, अपना आराम से खेलो सुकून में खड़े रहकर कोने में। देखो यहाँ पर वो चलेगा आगे, और उसको भाई इसको जहाँ जाना जाए तो भाई अपने को फर्क नहीं पड़ता, उससे घोड़े को मारूंगा उनको मैं, आजा घोड़े इधर आजा घोड़े, तो घोड़ा भाग गया वहाँ पर, घोड़ा मेरे को देख के भाग गया, उस तरफ भाई जाऊंगा तो पड़ेगी मेरे को, इसलिए भाई लड़ाई करने से मतलब है नहीं। और ये आ गया यहाँ पर यार,
हटो, किक मारा, देखो किक मारा, किक मारा। अच्छा भाई, मैं टाइम पे देख के उसको पंच मारा, मैं तो देख भी नहीं रहता है, कोई है नहीं वहाँ पे आने जाते। अरे गिर गया भाई खुद ही भाई, ये डर होना चाहिए भाई मेरा, ये मेरा खौफ होना चाहिए सामने वाले प्लेयर के दिल में। उसने देखा बोला टफ मैन भाई, खेल के मतलब नहीं, छोड़ दो तो कूद गया वो टाइम पे वहीं पे। ऐसा है भाई, ऐसा एकदम अकल वाले लोग रहते हैं, सब दिमाग बहुत रहता है लोग। यहाँ पर पंच मार दो अभी, और दोनों के दोनों गिर गया लेकिन बच गया वो। और यहाँ पर भाई एक जन के, मैं नहीं करना चाहता भाई, मैं नहीं गिरना यहाँ पर, मेरे को नहीं गिरना भाई, पहला राउंड क्वालिफाई रखा था मैंने। और यहाँ पर अरे बच गया यार, बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा गिर गया वो, कब पंच अच्छा मारा था लेकिन उसने, और लेकिन गिरा नहीं पाया। और गिर गया भाई प्लेयर, गिरा वहाँ पर कोई गिरा, अरे कोई नहीं गिरा यार, मैं फालतू ज़्यादा खुश हो गया वहाँ पर, निकलो आगे चुपता। मुझे ऐसा देख के लगा कोई गिरा, लेकिन कोई गिरा नहीं था वहाँ पर, मेरे को ऐसा देख के लगा कोने में कोई गिरा है, लेकिन यहाँ पर कोई गिरा नहीं था एकदम आराम से भाई। और चलो गिर, यहाँ पर कर गया क्वालीफाई हम लोग, और शुरू हो चुका यहाँ पर सेकंड पे इसका थर्ड राउंड, यहाँ पर स्टार्ट होगा। भाई पहले के मैंने दो राउंड क्वालीफाई कर गया इसके अंदर, बस ना अभी आठ राउंड बचे हुए, आठ पे से भाई मेरे को छः राउंड क्वालीफाई करना बाकी है। अगर मैं दो राउंड हारा ना तो एकदम दो का तीन राउंड भी अगर हार गया तो एकदम आराम से थर्ड फेज में आऊँगा मैं, क्योंकि ना टोटल चार फेज इसके अंदर, और सेकंड फेज से थर्ड फेज में कितने 60 लोग जाएंगे, पहले से दूसरे में 104 लोग गए थे, दूसरे तीसरे में आप 64 लोग जाएंगे यहाँ पर अभी। और अब तो ना भाई वो टूर के ना जब रैंकिंग में भी दिखाते नहीं कितने लोग क्वालीफाई करेंगे, वहाँ पर लिखा था बस एक नंबर भाई, मार दिया गिरा दिया इसको मैंने भाई, गिरा दिया इसको मैंने यहाँ पर। और टूर का अगर आप लोग रैंकिंग देखो ना जाकर, तो वहाँ पे बस लिखा था नीचे टॉप 18 विल क्वालीफाई फॉर सेकंड नेक्स्ट फेज, लिखा था बस कैसे लिखा, टॉप 18 विल गो टू नेक्स्ट फेज, लिखा था बस, ये नहीं दिखा था भाई कितने लोग क्वालीफाई कर रहे, बस ना टॉप 8 लिखा जाता वहाँ पर बस। वो लोग ने पता नहीं कौन सा मकदा दिया गेम का, भाई बच गया बच गया बच गया, मैं भी बच गया वो भी बच गया मेरे से। और वहाँ पर हड्डी देखो फील्डिंग लगा के बैठा यहाँ पर पिंक हड्डी वाला, और कूदना तो पड़ेगा, चलो भाग के भाग के भाग के भाग के, मैं रुका हुआ था ना जब वो कूदेगा तभी मैं जाऊँगा आगे, उसका नहीं से पहले मैं नहीं जा रहा गया। और चलो गया फटाक से गया वो, उसको पता है भाई यहाँ पर ना ऑब्स्टेकल है, तुमने को जल्दी कूद के निकलना पड़ेगा आगे, अगर थोड़ा भी रुक गया तो। अरे वो आगे क्यों गया, आगे नहीं जाना चाहिए भाई, उसको यहीं पर रहना चाहिए था। अच्छा वो दिमाग लगा रहे, उसको पता है ये बात कि मैं ना काटे सोच के थोड़ा पीछे से कूदूंगा। और यहाँ पर चलो कर गया भाई क्वालीफाई, मैं तो अपना हिसाब बैठा रहा था, मैं ऐसे करगा क्वालीफाई करके। और अब यहाँ पर अपना चौथा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और भाई अभी तक मैं तीन राउंड खेला, तीन के तीन राउंड क्वालीफाई करा मैंने इसके अंदर, एकदम आराम से खेलना बस, एकदम आराम से खेलना, क्वालीफाई करते रहना अपने को ऐसे खेलते खेलते। और थर्ड फेज में आना भाई, थर्ड फेज में आएंगे फिर फोर्थ में जाएंगे, थर्ड फेज में अगर मैं पहुंच गया ना तो एकदम आराम से मुझे 100 जैसे। अरे भाई किक लग गया यार, अबे किक नहीं मारना था भाई, मैं अपना इमोट खोल रहा था, मुझे लगा मेरा इमोट बंद, वहाँ पर किक दब गया मेरे से यार, हट यार, मेरे को किक मारने का था ही नहीं यहाँ पर यार, मैं गलती से किक दब गया यार, कितना अच्छा खेल रहा था, तीन राउंड लगातार क्वालीफाई कर रहा था, चौथा राउंड इतना गंदा हफ्ते हुए हार गया यार हट। और यहाँ पर अपना अभी पांचवा राउंड स्टार्ट होगा भाई, अब मैं ध्यान से खेलूंगा एकदम, मुझे कैसे भी करके 7 राउंड निकालना भाई इसके अंदर। और अभी तक ना एक राउंड हारा तो ज़्यादा कुछ खराब हुआ नहीं अभी तक मेरा, कुछ मतलब ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं होता बड़ा, बस भाग निकलो आगे अपना। और भाई क्या है ये, क्या है ये यार, ये क्या अलग तरंगी चालू थे भाई टूर के अंदर, ये एक ना एक बार देखो ये बच गया यहाँ पर, मैं गिर गया वहाँ पे, मैं भी वैसे ट्राई कर रहा था, मैं गिर गया लेकिन ये बच गया यहाँ पर यार, क्या फालतू चला यार हट ये। और चालू हो चुका पर अपना छठा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी, एकदम आराम से खेलना इसको भाई, पिछले दो राउंड तो इतने गंदे तरीके से हारा ना मैं, पहले राउंड में तो मेरी से गलती हो गई थी कि मैंने वहाँ पर, मेरे को लगा कि इमोट बंदे मेरा तो चालू कर देते वहाँ पर, जिसके से किक दब गया मेरे से। और इसके पिछले राउंड में तो भाई मैंने जंप करके डाइव मारा, मेरा प्लेयर खड़ा ही नहीं हुआ आगे जाके यार, इतना गुस्सा था ना जब ये खड़े नहीं था वहाँ पर, क्या बताऊँ मैं, ये दो तीन महीने से, दो तीन क्या भाई, जब से गेम चालू हुआ तब से टूर के अंदर ग्लिच चल रहा है ना, और चालू हो ही नहीं रहा कुछ भी, फिर मतलब चालू होता है लेकिन यहाँ पर ना मतलब दिमाग खराब होता है, डाइव मारते खड़े नहीं था उसके बाद, तो गुस्सा आता है, तीन लोग गिर गया, फिर तीन लोग गिर गए थे फटाक से, मैं अभी देखा यार तीन लोग गिर भी गए, एक दिन गिरना बाकी बस। और यहाँ पर एक और गिर गया भाई, गिर फटाक से क्वालीफाई कर गया इसके अंदर। और यहाँ पर चालू चुका अपना सातवां राउंड भाई, बस चार राउंड बचे हुए इसके अंदर, और चार में से अगर मैं तीन भी क्वालीफाई करेगा, तीन का दो भी अगर क्वालीफाई करा एकदम आराम से मैं थर्ड फेज में चलूंगा फिर 6 पॉइंट के साथ, क्योंकि 60 लोग यहाँ पर क्वालीफाई करेंगे, तो अगर 6 पॉइंट रहेगा तो भी अच्छी बात रहेगी, 7 पॉइंट रहा तो और अच्छी बात रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि 7 पॉइंट बनाकर रखने की, 60 तो होने वाले ही नहीं लेकिन 7 पॉइंट यहाँ पर बनाकर रखने की कोशिश करूँगा मैं। और आ जाता भाई लड़ाई हो रही, लड़ाई हो गई यहाँ पर, लड़ाई हो चुकी यहाँ पर तीनों के बीच में, और आज यहाँ पर पंच मार दो लगाएंगे भाई, बराबर लगाई नहीं, और बच गया बच गया बच गया। केपी बारह मेरे को मार रहा है क्या अभी, केपी बारह मेरे को मार रहा है क्या, पता नहीं क्यों, मतलब वो टीम अप कर रहेगा शायद उसके साथ। और भाई और भाई बच्चा 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 बचा रहे यार भाई यार हार गया यार। और चालू हो चुका आठवां राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी, देखते भाई इसमें क्वालीफाई कर पाता होगी अपना, एकदम आराम से करना बस, मुझे आराम से करके क्वालीफाई करना है क्योंकि अभी बस तीन राउंड बचे इसके अंदर, और तीन में से अगर मैं कितना एक या दो भी कर लूँ तो क्वालीफाई तो आराम से मैं थर्ड फेज में जाऊँगा फिर, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं उसका। और यहाँ पर है ना इससे पहले मैं एशिया मतलब ये पहले फेज के बाद मैंने एशिया से टूर के अंदर पहले फेज खेला, उसके अंदर भी एक फ्री टूर चालू है अभी, तो उसका भी पहले फेज खेल लिया मैंने, उसके कितने मैं 5-6 राउंड खेला बस पहले फेज के अंदर, क्योंकि बस है ना खेलने से मतलब पहला फेज कि कैसे भी खेलो एकदम आराम से भाई सेकंड फेज के लिए क्वालीफाई करते हैं अपन। और मैंने ना 5 राउंड खेल के ना कितने 20-22 पॉइंट निकाल लिए उसके अंदर अच्छे खासे, तो एकदम आराम से भाई मैं क्वालीफाई कर दूंगा सेकंड फेज के लिए वाले टूर के अंदर। और उसको भाई मैं इसके सेकंड फेज खत्म होने के बाद वाले टूर चालू करूंगा, मतलब तुम लोगों को तो वीडियो तो कल देखने को मिलेगी वाले टूर की, कल या परसों तक, लेकिन यहाँ पर भाई मैं दोनों को साथ में बैठ के रहा हूँ। यहाँ पर गिर गया एक प्लेयर, गिर गया यहाँ पर तीन लोग बचे गिरने के लिए, और गिरा तो भाई एक और गिर गया यहाँ पर, एक और गिर गया, तीन लोग यहाँ पर गिर चुके, बस एक जन गिरना बाकी यहाँ पर, एक जन यहाँ पर गिरेगा तो बाकी चार लोग यहाँ पर क्वालीफाई हो जाएंगे एकदम अच्छे से। देखते हैं कौन गिरता भाई, कौन किसको गिरा था, पर शेर यहाँ पर पहुंच चुका है मारने के लिए, और गिर गया अभी, गिर गया एक प्लेयर, गिर गया वहाँ पर किक मार रहा था क्या, अब ऐसे देख रहेगा किक मार रहे हैं चक्कर में गिरा वो, लेकिन चलो यहाँ पर गिर गया मैं क्वालीफाई राउंड के अंदर।
और ये मेरा नवा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। तो भाई अभी तक मैं ध्यान नहीं देता एक बात पे कि मैंने 3 राउंड हार चुका इसके अंदर अभी तक का, और मुझे लगा था बस मैं 2 ही राउंड हारूँ, लेकिन भाई मैं 3 राउंड हार चुका ये फेज के अंदर सेकंड फेज में। तो पर मुझे ना बचे हुए 2 राउंड क्वालीफाई करने पड़ेंगे ताकि मेरे 7 पॉइंट हो जाए, मतलब 7 है ना, 7 अगर हो गए तो एकदम अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर 6 रहे तो भी चलेगा मुझे। यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से, मैं आ जाता था। अरे बिल्ला उस तरफ भाग गया, और एक किक मारा भाई, वो पंच मार दिया उसने उसको, और बच गया वो, बच गया बच गया, कोई नहीं गिरा अब तक का, कोई नहीं गिरा। और एक जन यहाँ पर गिर चुका है, 2 लोग गिरना बाकी है बस। आ जा भाई, एक पंच मारा उसको, अरे एक गिर गया, एक और गिर गया भाई। बिल्ला क्या मार रहा है यार, बिल्ला जबरदस्त दे रहा है यहाँ पर सबको। आ जाता था बिल्ले को मारते यहाँ पर, अरे बिल्ला बच गया, बिल्ला बच गया, यहाँ पर बिल्ला बच चुका है। वैसे बिल्ली है शायद ये, नहीं ये बिल्ला, ये बिल्ले बिल्ली रहे बिल्ला रहे कोई भी रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे को गिराने से मतलब ये लोग को, पांडा बैठा देखो उस तरफ, पांडा बैठा हुआ है देखो, बिल्ला भारा जा रहा भागते, और पांडा के ऊपर हमला करा भाई, केला फेंक के उसने बच गया पांडा, अपना साइड में खड़ा था उसका, वो हिला भी नहीं भाई, हिला भी नहीं, वो उसको पता भी नहीं रहेगा कहाँ से आ गई। और यहाँ पर भाई लड़ाई हो जाए भाई, मार के गिरा दो लोग को। और यहाँ पर बिल्ला आ चुका आगे, भाई मैंने कूदरा के, भाई मैंने कूदूंगा आगे, यहाँ पर रुकेंगे तब आराम से देखेंगे। और गिर गया भाई, गिर गया आखिरी प्लेयर, और रोक करके हम लोग क्वालीफाई यहाँ पर। और अब यहाँ पर आ चुका अपना आखिरी राउंड इस फेज का भाई, इसको क्वालीफाई करना बस मुझे भी, मतलब इतना तो कि है कि नहीं, मतलब मुझे लग रहा है मैं 3rd फेज में चलाऊंगा 6 पॉइंट के साथ भी, लेकिन अगर 7 हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर आ जाओ आगे एकदम आराम से भाई, 6 पॉइंट तो हो चुके मेरे अभी, एकदम आराम से आ जाओ इसके ऊपर। और यहाँ पर भाई एक जन, अभी एक जन गिर गया भाई, एक जन गिर गया, 3 लोग गिरना बाकी बस, और वो तीनों देखते हैं भाई कब गिरते हैं वो तीनों। एकदम आराम से खेलना मुझे उसके लिए, ज़्यादा मैं जल्दबाजी करूँगा नहीं कहीं पर भी, पता ना भाई इसके अंदर हारूंगा 3rd फेज में पहुँच ही नहीं पाऊंगा। और अगर मैं 3rd फेज में अगर पहुँच गया ना बस, तो मुझे यहाँ पर एकदम आराम से, और 3 लोग गिर गए भाई, 3 लोग गिर गए। और अभी मैं ना 3rd फेज में अगर पहुँच गया मुझे एकदम आराम से 100 जेम्स मिल जाएंगे इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा जेम्स इन लोगों ने बांटे फ्री में। बस कितने कितनी की तो रैंकिंग में आना, अगर उतने में आ गया तो मुझे 100 जेम्स मिल जाएंगे। और 3rd फेज में अगर पहुँच गया तो मतलब आप उतनी रैंकिंग में आ गए। और यहाँ पर हटो बिल्ला फालतू आएगा उंगली का। और ये तो भाई शिनचैन अपना भाई, ये तो शिनचैन, इसका नाम ही नहीं पड़ा था मैं यार, ये पिछले राउंड में भी आया था शायद, पिछले राउंड में भी यही था, मैं फालतू इसको पंच मारने के लिए कूद रहा था यहाँ पर, देखो शिनचैन में भी नाम लिखा है अपना। और यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर, कूद का जाओ आगे, और शिनचैन यहाँ पर गिर गया क्या, अरे गिर गया यार शिनचैन गिर गया यहाँ पर, बनाना भी पिछल के शायद ऐसा लग रहा मुझे, लेकिन हम लोग मैं कर यहाँ पर क्वालीफाई 1 नंबर। तो गाइस यहाँ पर अभी अपना 2nd फेज खत्म हो चुका है, जिसके अंदर मैं आया 24वें नंबर पर, और मेरे 7 पॉइंट यहाँ पर, तो एकदम आराम से मैं करके 3rd फेज के लिए क्वालीफाई। और अब यहाँ पर देखने वाली बात रही भाई 3rd फेज में कैसे हो पाता भाई यार, मेरे को 4th फेज में आना कुछ भी अच्छे से एकदम अच्छे से खेलना पड़ेगा 3rd फेज मुझे अपना। और शुरू हो चुका है 3rd फेज का पहला राउंड है भाई, और आ चुका लेजर ट्रेसर आ गया भाई 3rd फेज के पहले राउंड के अंदर, एकदम आराम से खेलना इसमें, एकदम आराम से खेलना ये। और अच्छी बात ये है कि अगर हारूंगा तो मैं बाहर नहीं होगा, मतलब मुझे बहुत कितने 8 राउंड शायद 3rd फेज के अंदर, तो 8 में से मुझे 6 या 7 राउंड जीत, 6 राउंड तो जीतने 3rd फेज के अंदर, तभी यहाँ पर मैं टॉप 32 के अंदर आऊँगा भाई। 32 लोग क्वालीफाई करेंगे 4th राउंड के अंदर, मतलब 3rd फेज से, 4th फेज में 32 लोग क्वालीफाई करेंगे हर मतलब हर ग्रुप में से। यहाँ पर मुझे एकदम आराम से खेल के भाई टॉप 32 में आना कुछ भी कर। और 32 में से मतलब मैं ना अगर 6 निकाल लिया तो एकदम आराम से 3rd फेज में आऊँगा, लेकिन अगर 7 निकाला तो भाई पक्का हो जाऊँगा 3rd फेज के लिए। तो मुझे 7 राउंड पॉइंट निकालना कुछ भी करके, जो कि बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, निकाल सकता हूँ मैं 7 पॉइंट अच्छे से अगर खेलूँ तो, ज़्यादा नाटक नहीं करूँ तो। और यहाँ पर है ना एकदम आराम से रुको, एकदम आराम से आप इसको यहाँ पर है ना किक मारूंगा अभी। और अरे भाई दूर भागा, भागो भागो एकदम हट जाट जाता। और ये भाई किक मारेगा यहाँ पर, बच गया लेकिन बच गया, नीचे की तरफ कूद जाता वो, नीचे से अगर लेजर आ रही थी ना भाई वो खत्म था, उसका गेम ही खत्म था वहाँ पर, लेकिन बच गया वहाँ पर वो, एकदम आराम से आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर अभी भी कूद रहा हूँ, बच गया भाई, मुझे लगा उस वो दोनों के बीच में कूदा वो, अरे लग गया था क्या ये, लगी क्या शायद, मुझे लगा नहीं लगी, लग गई है। कितनी बार मैंने ऐसे कूद कर डाइव मार के किक मारो ना, मतलब लगती नहीं किसको भी जल्दी, मतलब कूद के किक मार के डाइव मारते तो, अभी पता नहीं कैसे लगता है, इस बार लगी पता नहीं कैसे, नहीं तो मैं बीच में कभी लगी नहीं रहती जल्दी, अलग अलग टूर खेल रहा था इससे पहले, उसमें भाई नहीं लग रही थी जल्दी, मेरे से चिपक जा रहा था पूरा, फिर भी नहीं लग रही थी, पता नहीं कैसे असर खत्म हो जाता उसका फटाक से। और यहाँ पर आप मारो भाई, बच गया चलो किक मारो उसने, मैं बच गया यहाँ पर, एकदम आराम से खेलना, एकदम आराम से खेलना, आ जाओ नीचे की तरफ भाई, बच गया एकदम आराम से, मैं टेंशन नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, यहाँ पर आ जाओ आगे की तरफ। और यहाँ पर भाई मार दिया उसको मैंने किक, निकला आगे, और कितना लंबा खेलेगा भाई, गिर जा यार भाई गिर जा, आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर आ जाओ आगे, और यहाँ पर 1 नंबर, चलो भाई कर गया क्वालीफाई पहले राउंड के अंदर एकदम आराम से, चलो भाई कर गया। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर भाई गेम को मेरे पॉइंट क्यों नहीं गिनना यहाँ पर यार, मैं क्वालीफाई कर यहाँ पर रीमैच करवाएगा यार अब मेरे से, ये इतना अच्छा खेल के क्वालीफाई करूँगा, रीमैच करवाएगा, मैं हारूंगा तो भाई फटाक से एलिमिनेट कर देता मेरे को ये, और एलिमिनेट ही कर दिया, वहाँ भाई एलिमिनेट ही कर दिया यार, ये पहले राउंड में इतना अच्छा खेल के क्वालीफाई करी, क्या नाटक है यार गेम के, ये एक तो 2-3 दिन के बाद टूर करवाते उसमें ये नाटक चालू रहता है लोग। हट चालू चुका अपना 2nd राउंड, तो भाई यहाँ पर कोई, अरे यहाँ पर प्लेयर बैठा यहाँ पर कोने में मेरे बाजू में। और यहाँ पर देखो देखना भाई, अगर मैं पहला राउंड अगर हार गया रहता ना तो एकदम आराम से हार के उसको जीत जाता, ठीक है, और अगर मैं पहला राउंड जीत रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों गिन नहीं रही है इसके अंदर यार, ये इस बार यहाँ पर खेलेगा अच्छे से भाई, अपने को निकालना यार फेस निकालना कुछ बैठ के, चलो यार तो पहला राउंड हो सकता है ग्लिच का जैसे वगैरह का वो हो सकता है यहाँ पर, लेकिन भाई कैसे कितना गंदा ग्लिच है यार, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया ग्लिच है एकदम, इतना अच्छा खेल रहा था मैं पहला फेज, इतना पहला राउंड इतना अच्छा खेल के क्वालीफाई करा कि हारा, चलो 1 पॉइंट मिल गया मेरे को यहाँ पर, और गाय भी कर गया, हार गया राउंड के अंदर हार गया। और यहाँ पर आ चुका अपना 4th राउंड स्टार्ट हो गया अभी भाई, पिछला राउंड तो हार गया था मैं, और जब भी हारता ना भाई फटाक से खेल लेता है हारने के बाद, लेकिन अगर मैं जीत जाता ना भाई मेरा गिनता नहीं हो। और यहाँ पर फरहान NB भाई, ये फरहान NB क्या, फरहान XG भाई, ये तो उसको जानता हूँ भाई, फरहान XG नाम लिखा है, मेरे को लगा NB लिखा है, लेकिन XG लिखा है वो,
यहाँ पर आराम से भाई सारे पंच मारा भाई, चलो मैं भी पंच मारूंगा, अभी मैं भी पंच मारूंगा। रुको, मेरे को लगा भाई जानता अंता होगा, सिर्फ गोल घूम के दिखा रहे, किक मारा नहीं लगे, अरे बच गया एकदम आराम से आ जाता भाई, आ जाता है यहाँ पर मारूंगा उसको भी मैं, और यहाँ पर लगे रे रे भाई, वो अगर मेरे आगे गया रहता ना भाई उसको मारता, लेकिन यहाँ पर रुको मैं जैसे उसने मेरे को पिछले राउंड मारा ना, मतलब पंच मार के धकला था, रुको ट्राई मारूंगा, कर नहीं गया, नहीं बच गया, बहुत गंदा बचा भाई, बहुत गंदा बचा, यहाँ पर एकदम मेरा गेम खत्म होते बचा, यहाँ पर मैं एकदम खत्म होते बचा, यहाँ पर मैं एकदम आराम से इसके ऊपर, मतलब बहुत घटिया तरीके से एलिमेंट होता बचा यहाँ पर, और अभी पक्का जाएगा आगे की तरफ, अरे बच गया भाई, एक कैसे बच गया यार वहाँ पर, इतना अच्छा भाई मारा है, लेजर टच करा भाई पूरी पूरी यार, और आ चुका है अपना लेजर टेस्ट स्टार्ट हो चुका है पांचों राउंड के अंदर, और पूरा तो लेजर टेस्ट आ रहा है वैसे भी, तो एकदम आराम से खेलना, एकदम आराम से खेलना ये, और यहाँ पर भाई इसके आते एकदम आराम से खेलेंगे अपन, और भाग के आगे इसको ना पंच मारूंगा, उसको पंच मारूंगा मैं, पंच मार के खेलेंगे इसके साथ एकदम अच्छे से, किक मार के इसको गिरा करूंगा भाई, और पंच मार, चलो भी पंच मार रहे हैं अच्छी बात, चलो भाई खेलने मजा आएगा इसके साथ, कोई रहता लोग पंच नहीं मारते तो थोड़ा कंटा रहता लोग खेलने में, लेकिन जाने तो कोई बात नहीं, उसमें डर भी लगता है यार, कहीं ये लेजर पे गलत पे लेजर पे पैन रख दूँ मैं, और अभी भी डर लगता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई कोई नया प्लेयर इस लेना ऐसा फैंसी कोई घुमा के पंच नहीं मारा, भाई बच गया, अगर कोई अगर प्रो प्लेयर होता ना भाई ये पक्का सा कूद कूद के पंच मार रहा था, और गिर गया, अरे भाई गिर गया, चलो यहाँ पर भाई एक नंबर, चलो क्वालीफाई कर गया राउंड के अंदर मैंने, अरे भाई फिर से मत कर यार इतना अच्छा भाई क्या नाटक है इसके, ये रीमैच करवाएगा यार, बार बार रीमैच करवाएगा, उसको पॉइंट दे देगा ये भी, उसको पॉइंट तो नहीं दे रहा यहाँ पर भाई, रीमैच भी मत करवाना यार, रीमैच करते रहो, खेलते रहो, जीतते रहो भाई, पॉइंट खा जाता है मेरे ये, इसको भी देखना भाई, जब अगर मैं हार गया ना अभी, अगर मैं हारूंगा ना देखना मेरे को हारवा घोषित कर देगा, इससे एडमिट करके एक पॉइंट गायब कर देगा मेरे ये, और यहाँ पर रीमैच करो भाई, क्या था हट यार, और चार हो चुका वापस से मेरा, पांच राउंड स्टार्ट हो गया अभी यार, कितना अच्छा भाई, इतना अच्छा मैं कर गया था क्वालीफायर्स के अंदर, वो खुद कूद गया था भाई, खेल भी रहा था खुद कूदा था वो अपनी मर्जी से, और यहाँ पर देखो भाई गेम चालू उसका भी, और पता नहीं क्या करेगा वो, तो पिछली बार तो भाई हार जा, इसको पंच मारो यहाँ पर भी, चलो किक नहीं लगी, किक नहीं लगी कोई बात, खड़े हो मेरे भाई, खड़े नहीं होता ये भाई डाइव मारने के बाद ऐसे, और यहाँ पर अब पंच मार दो उसको, बच गया, अगर पंच लगा रहा था भाई उसका गेम खत्म था, यहाँ पर लेजर पे से जाके बहुत पावरफुल पंच मारा था उसको मैंने, यहाँ पर फिर बच गया यार, दो बार मारा भाई, दोनों बार बच गया सेम एंगल पे, वो भी गलत एंगल बना रहा हूँ मैं शायद, यहाँ पर आ जाए उसके ऊपर, और यहाँ पर आराम से, अरे फिर बच गया भाई, क्या ही बच रहा है वो, हल्का सा पीछे रहेगा भाई इस बार, हल्का सा पीछे रहेगा एकदम, और यहाँ पर भाई कुछ ज़्यादा ही वो दूर था मैंने, मतलब पंच तो मैंने पहले मार दिया था, उसने लेट हाथ घुमाया अपना, और यहाँ पर बच गया वापस वो, हटो एकदम आराम से भाई, आ जाओ साइड में इसके ऊपर से, और यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर, एकदम आराम से खेलना, एकदम आराम से खेलना अभी, और क्यों इतना लंबा खेला भाई, हारता ना यार, जैसे पहले आउट हुआ था, अरे भाई क्या बचा वो, ये कैसे बच गया यहाँ पर यार, लेजर छुआ था पुलिस ने वहाँ पर कूदने से पहले, एक तो यहाँ पर हल्की सी लेजर टच होती है, मेरे को गिरा देता पूरा, मतलब जला देता पूरा का पूरा, और यहाँ पर अरे भाई पंच मारने का चांस है यार, मैं डाइव मार दे वहाँ पर, पंच मार दिया था भाई, गेम खत्म था उसको वहाँ पर, भाई यार क्या है, गलत एंगल पर पंच मार रहा यार मैं, बहुत ही गलत एंगल पर भाई, गेम को ज़्यादा लंबा चल रहा अभी, और मुझे लग रहा मैं हार जाऊँ अभी यहाँ पर, अरे बच गया वो बार बार, आ जाओ उसके ऊपर, और यहाँ पर एक नंबर भाई, अरे भाई क्या भाई, चलो गया यहाँ पर, कर गया वापस से क्वालीफाई में, और अब यहाँ पर वापस से खा गया यार, वापस से क्या यार, कितना रीमैच करूँ एक प्लेयर के हाथ में यार, मैं दो बार हरा दिया उसको भी, देखना भाई एक बार अगर मैं हार गया ना तो देखना मेरे पॉइंट एकदम जगह पे एलिमेंट लेके आ जाएगा यहाँ पर, देखना अभी रीमैच में हारूंगा ना, देखना कैसे एलिमेंट लेके आएगा अभी, और चलो चुका वापस से भाई, एक आखिरी रीमैच है भाई, इस बार भी अगर गिना नहीं मतलब मेरे जीतने के बाद, और अगर मैं हारने के बाद गिनना तो मैं अभी मन कर दूंगा, मैं खेलूंगा भी नहीं इसको फिर इसके बाद, दिमाग खराब होता भाई, इतना मेहनत करके खेलो ये पॉइंट नहीं दे रहा मुझे, क्या बात है यार, ये बहुत ही गंदा ग्लिच आ रहा भाई गेम के अंदर भी, यहाँ पर उसको ना एक बार ना धकेल के गिराने की ट्राई मारता हूँ, चलो अरे भाई उसको धक्का लगे नहीं मेरा, और यहाँ पर मैं ही गिर गया भाई, मैं गया, देखना अभी मेरे पॉइंट खा जाएगा, देखना यहाँ पर भी लिख के जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर एडमिट लिख जाएगा अभी, यहाँ पर देखो अभी ये लिख रहा है इन प्रोग्रेस लिख रहा है अभी, यहाँ पर कंटिन्यू मैच दिखा रहा है, जब यहाँ पर लिखा जाएगा ना लोडिंग नेक्स्ट मैच, तो समझ जाना यहाँ पर मेरे को एलिमिनेट कर चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है देखो लोडिंग नेक्स्ट लिखा है, और एलिमिनेट कर दिया, देखो भाई मैं दो बार उसको हराया मैंने लगातार, और दोनों बार उसने मेरे को भाई पॉइंट गायब कर दिया मेरे, उसने मैं नहीं खेला भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं खेला इसको यहाँ पर, तो भाई ये टूर मेरा यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसके अंदर भाई मुझे 200 जेम्स मिल गया था यहाँ पर, मुझे लगता था भाई मुझे 100 जेम्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे दो फाइनल रैंक आए थे 927 के, और मुझे यहाँ पर 200 जेम्स मिलेगा इसके अंदर, तो भाई यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही राउंड क्वालीफाई कर पाया, और आखिरी राउंड तो भाई बस मैंने जैसे चालू करा ना तो लिख कर था मैच चालू होने के लिए कितना 20 सेकंड कुछ बाकी था मैच चालू होने के लिए, इसके वजह से यहाँ पर भाई एक पॉइंट फ्री में मिल गया आखिरी वाला, बाकी के हर राउंड के अंदर ना भाई मुझे इसने हरा के माना भाई, और सबका पता नहीं कैसे चल गया यहाँ पर, बस मेरे टाइम पे नाटक चालू हो रहे थे इसके यहाँ पे, मतलब मुझे उसने हरा के ही बात माना है, मतलब जब मैं हारो तभी उसने मेरे पॉइंट काउंट करा है, लेकिन मैं जितनी बार जीत रहा उतनी बार रीमैच करवा रहा था मेरे, पता नहीं क्या सोच के किस बात की दुश्मनी नहीं करता मेरे से, यहाँ पर पूरा टूर खराब हो गया मेरे इसके वजह से आया, तो यहाँ पर कैसे सब्सक्राइब नहीं, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।